ये जो हमारा जनरल हाउस हुआ है ये 3 महीने बाद हुआ है, और प्रावधान भी ऐसा ही है कि जनरल हाउस 3 महीने बाद ही होता है, और उसी तिथि को मानते हुए आज हमारा जनरल हाउस हुआ। और सभी पार्षद आए, कुछ पार्षद नहीं आए, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय आवास बैठक कंडाघाट में चल रही है, और वो उसमें कुछ पार्षद वहाँ पर भी गए हैं। और इससे पहले 9 तारीख को भी एक बैठक रखी थी जनरल हाउस की, पर उस वक्त हमारे स्टेट लेवल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, उसमें हमारे किसी पार्षदों का जाना जरूरी था, और इन्हीं कारण आज ये लोकल थी, इसलिए हमने ये बैठक कर ली और उनसे परमिशन ले ली थी। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, ऐसी बात किसी भी पार्षद ने नहीं की है। मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ना तो कांग्रेस ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने की है। उन्होंने कुछ काम में अपना मुटाव मन मुटाव जाहिर किया है कि हमारे जो कार्य है, विकास है, उसकी गति नहीं बन रही है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि जिस रफ्तार से, जिस गति से काम होना चाहिए था नगर परिषद में नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 9 महीनों में 8 ईओ का बदलना ये हमारी रफ्तार को कम करता है, क्योंकि जिस जो भी ईओ आया, जब वो काम समझने के लायक हुआ तब उसकी ट्रांसफ़र हो गई। किन्हीं कारणों से हुई इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। एक पर तो हमारे नगर परिषद पर बहुत सी रिटे फाइल हुई हैं, जिसके जवाब, उसका इंक्वायरी करना, उसकी छानबीन करना में मैक्सिमम वक्त लग गया, जिससे हमारे विकास की गति रुक गई। अब हमारे पास अस्थाई कार्यकारी अधिकारी जो हमारे सोलन के तहसीलदार आए हैं, वो टेक्नोक्रेट भी है और ब्यूरोक्रेट भी है, और हमारे कार्यकारी अधिकारी भी है। हमें इनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो रेवेन्यू के भी अथॉरिटी हैं और हमारे टेक्नोक्रेट की भी ये अथॉरिटी है और हमारे कार्यकारी अधिकारी है। हम इन तीनों चीज़ों से हमें इनका लाभ लेना है, और मुझे विश्वास है कि इन्होंने ये इस गति को बढ़ाएंगे। और पिछले 1.5 महीने से जब से यहाँ पर हैं, तो इस वक्त हम 60 से ऊपर टेंडर के फ्लोर कर चुके हैं और उसके अवार्ड भी कर चुके हैं। अब 1 महीने के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो उन लोगों का जो जिनका मनमुटाव था, उनका मनमुटाव भी दूर हो जाएगा जैसे ही कार्य की गति होगी और कार्य गति पकड़ेंगे। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं की है, इन्होंने मेरी कार्यशैली से नाराजगी दिखाई है, क्योंकि कार्य उस गति से नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने त्याग पत्र जाहिर किए हैं, देने की बात कही है कि अगर इसी प्रकार का कार्य चलता रहा तो इसमें लगता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की में कोई कमी है। पर मैंने इसमें कमी के अपने कारण बता दिए हैं, और अब जब ये बात उनसे हो गई कि हमारे इतने टेंडर लग गए हैं, इतने कार्य के अवार्ड हो चुके हैं, और ये 1 महीने के अंदर काफ़ी कार्य इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो शायद वो उनको समझ आएगा, और जो उनका नाराज़गी है उनसे मिल बैठ के दूर कर ली जाएगी। मन मटाव तो होता ही रहता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। आज की जो बैठक थी उसमें बहुत से कंपाउंडिंग केसेस थे, जो 10% से वायलेशन थी उनको हमने कंपाउंड कर दिया, और जो हमारे पास ऑनलाइन नक्शे आए थे उनको भी हमने पारित कर दिया। कुछ ऑफलाइन नक्शे आए थे उसे हमें पारित नहीं किया है, उसे हमने री एग्जामिनेशन के लिए ईओ को और एमई को, म्यूनिसिपल इंजीनियर को भेज दिया है, क्योंकि इसके बारे में 18 अप्रैल 1918 को एक योजना बनी थी, एक लॉ बना था, एक कानून बना था, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको गहन विचार करना जरूरी है, उसके बाद ही इन नक्शों को लिया जाएगा।